एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है केन सो रहा होता है और लुई बस केन की तरफ ही देखे जा रहा होते हैं। और जब लुई अपना फ़ोन चेक करता है तो वह देखता है कि उसमें चाल के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। और जब लुई कॉल भी करता है तो चाइल बताता है कि सही का किडनैप हो गया है। तो लुई कॉल कट करने के बाद रोने लगते हैं और फिर केन की तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अब दोबारा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसके बाद लुई अपने मोम से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि क्या यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मोम लुई से कहती है कि वह थोड़ी देर इंतज़ार करें। लुई कहता है क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया? अगर मैंने आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मोम कहती है कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर मोम जाकर खाना पकाने लगती है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। डीन मोम के पास आकर कहते हैं कि आपके खाने की स्मेल तो बाहर तक आ रही है। मोम कहती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बना रही हूँ, तुम जाकर थोड़ी देर मेरा वेट कर लो। डीन कहता है लेकिन मैं आपका वेट नहीं कर सकता। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाते हैं। ले मोम के पास आता है और मोम से कहता है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? मोम कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो लुई हाँ कहता है। और जब लुई बाहर जाता है तो लुई के पास कॉल आता है कि हमें इंफा की गेम में थोड़ी सी मोमेंट दिखाई दिए तो हम मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। लुई कॉल कट करने के बाद मोम की तरफ देखता है और फिर दिखाया जाता है मोम जब खाना लेकर आती है तो मोम को एक नोट मिलता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। लुई रोने लगता है और फिर मोम के लिए नोट लिखकर जाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसीलिए मैं आपका खाना नहीं खा सकता, लेकिन अगर मुझे चांस मिला तो मैं आपका खाना खाने ज़रूर वापस आऊँगा। और मोम नोट रीड करने के बाद रोने लगती है। और यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि मोम को पता चल गया कि वो डी नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पुलिस एक ही फैक्ट्री को सीज कर लेती है। इंस्पेक्टर डोंग एक के पास कॉल करके उसे बताता है कि तुम्हारे वेयर हाउस, वुडन सीट, कैसिनोज और तुम्हारे कॉन्डोज सभी को पुलिस ने सीज कर लिया है और तुम अपने भाई को भी इस बारे में बता दो। तो एक कहती है कि वो इस बारे में उसे ज़रूर बता देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लुई की ही चाल होती है। दूसरी तरफ इंगफा एक डॉक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि जो भी आज हमारे बीच बात हुई वो बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। और फिर यहाँ दिखाया जाता है इंगफा ने लड़कियों को पकड़ रखा था और वह उनकी सर्जरी करके उनके ऑर्गन्स को बेचने वाला था। तभी एक आदमी इंगफा के पास एक कॉल लेकर आता है। इंगफा को बताती है कि उसके सभी वुडन सीट और कॉन्डोज को पुलिस ने जब्त कर लिया है इसीलिए अब उनका प्लान क्या होने वाला है। इंगफा कहता है कि अभी तुम कहाँ हो और तुम उनसे बचकर कैसे निकली? तो ये बताती है कि इंस्पेक्टर डोंग ने उसकी हेल्प की। इंगफा कहता है कि उसके पास ऑलरेडी प्लान है इसीलिए वह बॉर्डर के पास वाली सेफ हाउस में आकर मिले। और इसके बाद फिर इंगफा सेफ से मिलने के लिए जाते हैं। सई इंगफा पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मासूम बच्चों की तस्करी करने की, और इस तरीके से तो तुम एक शैतान की मौत मारोगे। तो इंगफा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और इंगफा सई का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनूँगा। लेकिन सही तो मुस्कुरा रही होती है। इंगफा कहते हैं बताओ मुझे डीन की झूठी मौत के पीछे किसका मास्टरमाइंड है? क्या वह डीन का बॉयफ्रेंड केन है? लेकिन सही कुछ नहीं बताती तो इंगफा सही को छोड़ देते हैं और फिर गुंडे सही को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीन में दिखाया जाता है चायल और हिम लुई के घर आते हैं लेकिन उन्हें केन मिल जाते हैं। तो केन से लुई के बारे में पूछते हैं। केन कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ तुम लोगों के पास हूँ। और जब केन गेट खोलता है तो हिम कहता है कि लुई का क्या हुआ? तो चावल कहता है कि उसे लुई कहकर मत बुलाओ, वो तो डीन है। तो हिम कहता है कि केन डीन कहाँ है? जब केन कुछ नहीं बोलता तो हिम जाकर खुद ही ढूंढने लगते हैं और फिर से केन के पास आकर लुई के बारे में पूछता है।
और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है केन ने लुए के फ़ोन में ट्रैकर लगा रखा होता है, तो वो लोग लुए के ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पायो हिम से कॉल करके केन के बारे में पूछता है कि क्या हुआ है, ठीक है। हिम कहता है कि उसे बाहर से देख तो ऐसा लगता है कि वह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है। तो पायो उन्हें सेफली ड्राइव करने के लिए कहते हैं और फिर पायो डीडी से मैप चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन डीडी तो सो रहा होते हैं। तो पायो डीडी को स्लीप करके उसे जगाता है। डीडी कहता है कि मैं सो नहीं रहा था, बस मेरी आंख लग गई थी, और वैसे भी हम लोग बॉर्डर तक तो पहुंच ही चुके हैं। और दूसरी तरफ हिम भी केन से लुए की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। तो केन कहता है कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं सिग्नल खोता जा रहा हूँ, इसीलिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो हिम हाँ कहता है, और दूसरी तरफ लुए सही को बचाने के लिए इंफा की लोकेशन पर आ जाते हैं। गुंडे लुए पे अटैक करने लगते हैं और वो दोनों तरफ से आ जाते हैं, लेकिन लुए अपने आप को डिफेंड करने में सफल हो जाता है। एक एक करके सभी गुंडों को मार डालता है और वह सही के पास आ जाते हैं। इंफा लुए को आवाज़ देकर अपने पास बुलाते हैं और केन भी लुए को ढूंढते ढूंढते उसकी बाइक तक आ जाते हैं, और बाइक देखकर केन जंगल की तरफ चला जाते हैं और पायो और डेडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ लुए इंफा के पास जाते हैं। इंफा कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहे, तो फिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, और तुम हो कौन, क्या तुम कोई पुलिस या फिर उनके कोई फ्रेंड हो। लुए कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूँ, मुझे थोड़ा पास से देखो, तब शायद तुम मुझे पहचान जाओ। लेकिन इंफा फिर भी लुए को नहीं पहचान पाता, तो लुए फिर अपना एविडेंस दिखाते हैं, जिसे देखकर इंफा को समझ में आ जाता है कि वह डीनी है, और वह सूख हो जाते हैं। और तभी दोनों एक साथ गन निकालते हैं और दोनों ही शूट करते हैं, और यहाँ पता चलता है कि गोली सिर्फ इंफा को ही लगी होती है। लुए इंफा के पास जाता है और कहता है कि 2 साल से मैं अपनी फैमिली और अपने लवर से दूर रहा, और सिर्फ तुम अपने स्वार्थ के खाते लोगों और इस प्रकृति का शोषण करते रहे, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, और मैं इतने सालों में तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं भूला, और अच्छा होगा कि तुम भी मेरा चेहरा अच्छे से याद रख लो, क्योंकि यही चेहरा है जो तुम आखिरी बार देखोगे। और यह कह के लुए इंफा को मार डालते हैं, और तभी वहाँ पर केन भी आ जाते हैं। केन रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, तो केन रोने लगता है और फिर लुए भी रोने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सही आते हैं तो वह लोगों को मरा हुआ देखकर सूख हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, तो सही डॉक्टर से कहती है कि वह उसकी बाहर निकलने में मदद करें, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए क्योंकि सारे सबूत उसके और जेब के खिलाफ हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो आज तक डीन की मदद कर रहा था वह वही डॉक्टर होते हैं, और उसी ने इंफा के घर में कैमरा छुपाया होते हैं, और डीन ने सारे सबूत इसी डॉक्टर को दिए हुए थे। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है सही को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है और सही को इंस्पेक्टर भूमि अरेस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ केन मर्डर स्पॉट पे आते हैं और वह आकर किसी को कॉल करते हैं, और सही को भी उसके गुनाहों के लिए सजा मिल चुकी थी। और फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, केन एक जगह होता है और वहाँ पे केन के पास सही का कॉल आता है जो उसे शादी के लिए इन्वाइट करती है, तो केन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और फिर शादी का दिन पूछता है, तो सही उसे बताती है कि 7वें महीने की 7 तारीख को उन लोगों की शादी होने वाली है। तो यह सुनकर केन उदास हो जाता है और फिर केन उससे घर जाता है जहाँ पर वो और लुए एक साथ गए थे। और नेक्स्ट सीन में केन को एक एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है, केन वहाँ से चेकआउट करता है और फिर एक होटल आ जाता है, और इसी के साथ ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। लेकिन गाइज मुझे इस सीरीज की एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, यहाँ पर इन लोगों को लुए और केन को मिलाना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ ये भी नहीं बताया गया कि इसके बाद लुए का क्या हुआ
क्या लुई मर चुका है या फिर वह जिंदा है। और गाइस मुझे नेक्स्ट सीरीज मैकेविस को एक्सप्लेन करने के लिए रिकमेंडेशन आई है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस सीरीज को एक्सप्लेन करूं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।